वृद्धा पेंशन योजना में कमीशन खोरी। सरकार द्वारा 60 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को 2000 प्रति माह दिए जाते हैं। लेकिन नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बीजेपी विधायक अभय सिंह यादव चुने गए, वहां पर लोगों को पेंशन का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। बिचौलियों का दबदबा है। विधायक की मिलीभगत से बिचौलिए बगैर कमीशन दिए लोगों तक पेंशन पहुंचाने नहीं देते। अब जो पंच बांध जाता गाँव में, उसने 20 मांग के देता हूँ, अब 20 बार दूंगा नहीं दूंगा। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन बुजुर्गों के लिए दी, अब बुजुर्ग हो गए, उनकी रेखाएं नहीं आती हैं, तो जो बैंक से कर्मचारी आता है वो कहता है आपकी रेखा नहीं आती, आप बैंक में जाइए। अब बताओ उनको खाट पर रख के ले जाएं या गाड़ी में बिठा के ले जाएं, क्या करें उनके लिए? 100-200 रुपए बीच में खा रहे हैं। पेंशन का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। बैंक में जो कर्मचारी एजेंट बना रखे हैं बैंक ने, वो बैंक कर्मचारी जो एजेंट है वो ये कहता है 20 रुपए दो गे तो हम आपको पेंशन देंगे, वरना आप पेंशन बंद कर देंगे आपके। हल्का नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से सुमन वीरेंद्र गोठड़ी को भारी मतों से विजय बनाएं।